जो कार्यक्रम आपका रहा है चुनाव कार्यालय, आज आप चौरी चौरा की क्रांतिकारी सर्जरी से एक विभूत फूकने जा रहे हैं, इस समय चारों तरफ मोदी में माहौल बना हुआ है, ऐसे में आपका मेन मुद्दा क्या है? मोदी में माहौल कहीं नहीं बना हुआ, उनका नाम बुरी तरह से मिट रहा है, टूट रहा है, वो कहीं जवाब देने लायक नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा। आज आप इस क्रांतिकारी सर्जमी से क्या संदेश समाज में देना चाहते हैं, पास गांव की जनता को? जिन लोगों के नाम से ये जमीन क्रांतिकारी के नाम से जानी जाती है, पहले मैं उनको सलाम करता हूँ, इस धरती को सलाम करता हूँ, और इस क्षेत्र के लोगों को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि 17वीं लोकसभा के चुनाव में मुझे यदि यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इस लोकसभा क्षेत्र बासगांव के साथ साथ पूरे पूर्वांचल की मैं आबाद बनने का कार्य करूँगा। इस लोकसभा की कमी है जो सरकार बदलनी है, आज ये सारी चुनौतियां यहाँ पे जितने लोग मौजूद है सबके सामने मौजूद है, लाली चाचा है कि नहीं, और इस देश के नेता थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान शासन काल में दिखाई दे रही थी जवानों के प्रति और किसानों के प्रति, और चौधरी साहब जिनकी खलिहान और पगडंडियों से गुजर करके गांव तक जाता है, ये चौधरी साहब ने कहा था अगर खेत खलिहान और डंडी पगडंडी में खुशहाली का रास्ता दिखाई देता है तो मान लीजिए देश खुशहाल है। इन बातों को रखते हुए लोकसभा का चुनाव कई माने में महत्वपूर्ण चुनाव है, कई माने में महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी इस सरकार की मंशा भारत के संविधान के मुताबिक जो आरक्षण मिला रहा, और आरक्षण के बाद जो प्रमोशन में आरक्षण था, ये जो वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है, सबको मालूम है कि प्रमोशन में आरक्षण को इस देश और प्रदेश की गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया था। ये गठबंधन के महान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने का नतीजा ये आया कि आरक्षण में जो है आरक्षण में भी आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बहाल हुई। ये गठबंधन के नेताओं के सौजन्य से जो वर्तमान समय में जो जालिम सरकार प्रदेश की चल रही है और जो केंद्र की चल रही है, इस देश का झूठा